मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत होंगे। अभी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह हमारी हो गई थी, अब हम जा रहे हैं मदरसे। अनाबिया को लेके जा रही हूँ मदरसे, वहाँ से लेकर आना है मुझे थोड़ा सा सौदा, और आज शरबत बनाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है, उसके लिए भी सौदा लेकर आना है, थोड़ा सा सामान लेकर आना। तो भाई सौदा वौदा लेकर मैं आ गई थी, ये भी लेकर आई हूँ सारी चीज़ें, और ये भी लाई हूँ, और ये भी लाई हूँ, और बड़ी वाली में लेने गई थी वो जो सबसे बड़ी होती है ना, वो वाली मुझे मिली नहीं, सब शॉर्ट हो गया, तो इसलिए अभी ये वाली भी बड़ी है, ये वाली लेकर आ गई थी मैं, जलियाँ लेकर आई थी, और पिस्ता बादाम वगैरह सब रखे हुए थे। अब फटाफट दूध बॉयल कर लेते हैं शायद। तो जी छोड़ो रहा है, यहाँ पर दूध बॉयल हो गया है, और दूध बॉयल कर लिया है मैंने, दूध को हटो रैन, और यहाँ पर मैंने पिस्ते काट लिए थे। मुझे बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि मैं सौदा वौदा लेकर आई ना, तो बादाम तो मैं लेकर आ गई थी, पिस्ते जो थे ना वो मुझे याद ही नहीं, मतलब मैं समझी शायद हैंगे, तो पिस्ते मैंने आके देखा तो पूरी बरनी मुझे खाली मिली, और पिस्तों का मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि पिस्ते नहीं है, पिस्ते नहीं है। अब मैं वापस जा भी नहीं सकती थी लेने के लिए, तो फिर बस मैं सामान में घुसी थी कि मुझे मिल जाए खोपरा, फिर सब खोपरा लेने घुसी तो मुआवजा हो गया ये देखें कि मुझे पूरा पिस्ते का पैकिंग मिल गया, और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मतलब जब बंदे का दिल साफ हो ना तो अल्लाह ताला मदद ज़रूर करता है। मैं इतनी उदास हो रही थी कि पिस्ते नहीं है यार, पिस्ते नहीं है, तो पूरा मुझे पैकेट मिल गया वहाँ पे, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास पिस्ते हैं या नहीं है। अभी मैं बिल्कुल बस शुक्र है अल्लाह ताला का बहुत बहुत। अब पिस्ते भी इसमें ऐड कर देती हूँ, और भी डाल दूँगी, तुकमा लंगा जो होता है वो भी धो देती हूँ, और यहाँ पर जली बन गई है, और दूसरी जली भी बस बन रही है, और बस वही शरबत हमारा, और शरबत यहाँ पर बन गया है, देखिए तैयार हो गया है, अब इसको बंटवाना है बाहर, अगरबत्तियाँ भी लग गई हैं क्योंकि नियाज होती है, और अब शरबत जो है फटाफट जग में निकाल लेते हैं। तो जी शरबत वगैरह मैंने सब बांट दिया है, किचन पूरा साफ़ कर लिया है, झाड़ू भी यहाँ की लगा दी है, और सब क्लीन अप हो चुका है, बस यहाँ पर थोड़ा सा पोछा वोछा लगा देना है, और हसन बिल्कुल कोने में जा चुका है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, अब मैं इसको निकालती हूँ, वहाँ से बन गया था। अनाबिया और रैन तब से कह रही थी कि हमें जाना है नानी के घर पे जाना है, तो हम वहाँ का हमारा प्लान बन गया, सारा सामान मैंने पैक कर लिया है, और बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया, फिर थोड़े दिन छुट्टियों के, फिर छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, फिर से वो स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। आमना यहाँ तैयार होके यहीं पर सो गई है, और हुरैन भी खड़े खड़े सो गई है, और तैयार हुरैन बहुत अच्छा हो गया आज। हुरैन उठ जाओ, और अनाबिया भी तैयार हो गई है, पता नहीं बाहर अपने शूज लेने गई है, इशाल के घर पर रह गए, और हसन भी यहाँ तैयार हो गया, अपने कपड़े गीले करने की कोशिश कर रहा है, बस स्टाइल देखें हसन का, बस अब सामान वामान हो गया है, अब चलते हैं। तो भैया हम नानी के घर पर आ गए हैं, और हसन साहब यहाँ पे आके बहुत खुश हो गया है ना, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। तो भाई आज है बेबी की छठी, तो मतलब मैं जो खाला बनी हूँ तो आज उसको हो गए हैं 6 दिन, तो आज है छठी, जिसको कहते हैं 6 दिन होने पर उसको छठी कहते हैं, तो एनीवेज जो भी था, तो आज है छठी, और हलवा वगैरह बनाया गया था, और ये देखिए ये पूरा जो है छठी का सामान आ चुका है, और ये लेकर आई हैं छोटी नानी बाबा के लिए हमारे, और ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों के जो कपड़े होते हैं इसमें जितने भी ये सारे कपड़े रहे, सेट वाले थे, 3 पीस वाले, 1 पीस वाले, हेड वाले, और ये कंबल था इसका ब्लैंकेट, और ये थोड़ी सी डक्स थी टोपू वाली, और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, और ये देखिए इसमें जॉनसन बेबी का सामान भी था, और ये जो कपड़े टांगने की चटकनी होती है वो भी थी, और ये था बेबी के मम्मी पापा का ड्रेस, रहा नज़ारा। और हम यहाँ पर हमने बोला हमें खोल के दिखाए आप, मतलब तूने वो मुझे निकाला था, निकाल ली थी कम से कम, लपेटने वाला इस तरह से, वैसे तो हमने सोचा था कि छोड़ो बाद में खुलेंगे, पर हमने खुलवा ही लिया था, और ये देखें
ये निकला इसमें से ब्लैंकेट सबसे पहले ब्लैंकेट निकला इसका और ये चुटकनियाँ जो होती हैं हैंगर्स नो अनाबिया छोड़ दो अनाबिया ने ली थी डक्स तो मैंने इसको खोला फटाफट वापस रख दो और इसके बाद आया ये जॉनसन बेबी बेबी वाइप्स का पैकेट और ये है सेट है ये जो होता है ना ये माल वगैरह का सेट होता है वो है और लपेटने वाला और आने वाला ये करने वाला वो करने वाला बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर ये देखिए और ये डक अरे बब्बे और ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा था इसका हेड भी था और ये देखिए ब्लैंकेट निकल गया है यहाँ पर उन्होंने लपेट किया है इसमें ब्लैंकेट में और ये देखिए टोपा शोपा निकल गया है और ये वाला जबरदस्त वाला ड्रेस है और इसमें बहुत सारे कपड़े लेकिन दूसरा सूट निकला है अब इसको भी देखेंगे बड़ी नानी चेक कर वो लड़का वो उसने भी छोड़ दिया पर वो उसको फोन कर लेंगे वो बता देगा क्या चेक कर लिए छोटी नानी लेकर आई है और अब ये निकल चुका है सेट वाला पीस इसमें बहुत सारे हैं उड़ाने वाला लपेटने वाला चड्डी बनियान टोपा शोपा ये वो बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर ये देखिए और अनाबिया होलन तो ऐसे देख रही है जैसे पता नहीं क्या जूबा है इनके लिए खोलना चाहिए और ये दूसरा वाला भी हमने बोला भाई खोल के दिखाएं कैसे ड्रेस है कैसा मम्मी अंडा मंगवाना है क्या है क्या नहीं इस्तेमाल कर रही है खुलवा ही दिया फाइनली वो मोबाइल में दे दिया आपने ये खोला 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 मम्मी खुली रहा है बस और खुला था ये और इसमें से निकले ये टॉयस निकले थे और ये टॉयस हैं और सूट और ये है पापा का निकला है पैक है थ्री पीस का और ये देखिए बनाए थे मतलब कलर सेम थे प्रिंट ऑफ जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने बेबी को देखा तो मुझे पता चला कि इसको बहुत ज़्यादा पीलिया हो रहा है फिर मैंने उसको उठाया और डॉक्टर के पास लेके गई चेकअप करवाने के लिए क्योंकि उनका पहला पहला बेबी है तो उन्हें पता नहीं है कि क्या होता है मतलब कैसे होता है ये वो ना तो ये है कि मैं फिर डॉक्टर को चेकअप करवा कर आई तो उन्होंने कहा इसको पीलिया ज़्यादा है इसको आप एडमिट करवा लें उसके बाद आज का लोग यहीं सेंड करते हैं उम्मीद है आज का लोग आपको पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय अल्लाह हाफिज़